हे गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जिस प्लेस पे हैं ये है सुल्तानपुर और ये है कुड़वार नाका का ओवर ब्रिज। और ये जो मार्केट आपको दिख रही है ये है कुड़वार नाका की मार्केट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी और यहीं से पीछे जो रोड है वो जाता है रेलवे स्टेशन को। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपके लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा अवेलेबल है। और ये जस्ट सामने जो बोर्ड दिख रहा है ये है तिराहा, यहाँ का वहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो आप गबड़िया पुल होते हुए अमाहट तिराहे पर पहुंच जाएंगे। और अमाहट तिराहा जो है वहां से तीन तरफ को रोड जाती है। एक जाती है लखनऊ की साइड, दूसरी जाती है बनारस की साइड जो कि 4 लेन हाईवे है, और तीसरी रोड जाती है अमेठी को, तो और वही रोड रायबरेली को चली जाती है। अगर यहां से आप लेफ्ट जाएंगे तो ये सीधा रोड आपको ले जाएगी फैज़ाबाद के लिए। और यहाँ पर राइट और लेफ्ट कुछ यहाँ पर मार्केट हैं, और राइट साइड आपको यहाँ की कोतवाली मिल जाएगी जो सदर कोतवाली है। और ये जो सीधा रोड है वो जाएगा फैज़ाबाद के लिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कुछ मार्केट देखने को मिल जाएंगे जो कि फुटपाथ टाइप की मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े और सामान अवेलेबल हैं। तो जिसको परचेजिंग करना है वो यहाँ पर परचेजिंग कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पर मार्केट लगती है, तो बहुत सारे सामान यहाँ पर बाइक से ले करके हर सामान यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अभी मैं जिस प्लेस पर हूँ, आगे एक तिराहा है और वहाँ से तीन रोड्स हैं जहाँ पे अभी मैं हूँ, और यहीं पे आगे आपको बस अड्डा देखने को मिल जाएगा। आपको इधर लेफ्ट साइड बी मार्ट मिल जाएगी जो कि यहाँ का मॉल है, और इसके बाद आपको यहीं पे जस्ट बगल में मिल जाएगा एचपी का पेट्रोल पंप। अगर आपको फ्यूल फिलिंग कराना है तो आप करा सकते हैं। जस्ट सामने वहाँ पर है बस अड्डा। और अगर हम राइट साइड जाते हैं तो ये जो प्लेस है काफ़ी सुंदर प्लेस है। यहाँ पर फाउंटेन भी लगा हुआ है वहाँ। और इसके बाद ये जो मार्केट है ये ऑटोमोबाइल से संबंधित मार्केट है। यहाँ बहुत सारे सामान आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मिल जाएंगे। और इसके बाद ये यहाँ पे एक पुल बना हुआ है जो कि नीचे नाला बहता है, तो उसी को क्रॉसिंग करने के लिए बनाया गया है। आगे जस्ट चलेंगे तो राइट साइड की जो मार्केट है वहाँ पर आपको टायर से रिलेटेड सारा सामान मिल जाता है, गाड़ी और बाइकों के और बड़ी बड़ी 4 व्हीलर के भी यहाँ पर टायर अवेलेबल हैं। यहाँ से रास्ता दो भाग में बढ़ जाता है। यही है तिकोनिया पार्क जो कि राइट साइड रास्ता है, वो जाता है सीधा प्रयागीपुर के लिए। और जो जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ ये रास्ता भी लेफ्ट साइड जाएगा कचहरी के लिए, और सीधा रास्ता जो है वो चला जाएगा स्टेडियम के लिए। तो अभी मैं जिस रास्ते पे लेफ्ट चल रहा हूँ इस रास्ते पे आपको आगे मिल जाएगा लेफ्ट साइड, यहाँ पर है एक क्लब, खुर्शीद क्लब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमेशा और बहुत सारे यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, और खासकर यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगती है। अभी भी यहाँ पर शीतल महोत्सव सुल्तानपुर के नाम से चल रहा है। अब जो रोड है सीधे आपको ले जाएगी यहाँ के जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए, आगे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो इलाका है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। आगे चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस और प्रशासन यहाँ पर हमेशा आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। दिख रहा होगा जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय का गेट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर आप यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो ये जो रास्ता है वो जाता है गोमती घाट के लिए, और उसके आगे अगर आप जाएंगे तो पारिजात ब्रिज और वहाँ पे एक पर्यावरण पार्क है, तो वहाँ आपको घूमना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो जिस स्थान पे मैं हूँ यही है यहाँ का जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर का कुछ नज़ारा। अभी मैं जिस रोड पे हूँ इसी रोड पर लेफ्ट साइड आपको जाना होगा और आप पहुँच जाएंगे पर्यावरण पार्क। तो यहीं से हमें लेफ्ट घूमना है, और ये जो सीधे रास्ता गया है वो पर्यावरण पार्क के लिए जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको पर्यावरण पार्क घूमना है तो उसकी जो टाइमिंग है वो 3 बजे के बाद ही है, तभी वो ओपन होता है, दिन में बंद रहता है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक पवित्र मंदिर है जो कि बजरंगबली का है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो रोड है यही रोड है वो ले जाएगी आपको पवित्र पारिजात ब्रिज जो कि स्वर्ग से उतरा हुआ ब्रिज है ऐसा माना जाता है। तो जस्ट सामने उसका गेट है, वहाँ से आप एंट्री करके पवित्र पारिजात के दर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसा था अपना सुल्तानपुर,
और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो एक वीडियो में मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे।